चप्पल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना के बात कर देना। अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाए, प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष जब नेता प्रतिपक्षी तो नीचे ही इनका गिरावट। और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अपना विधायक है तो कोई वहाँ जो दलित परिवार का था वहाँ बनाइए, तो वहाँ तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी, नहीं यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है, इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलती है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय, तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है, कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आप तो गए नहीं ना थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं, और हम उसी जिला से आते जहां से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं, हम वहीं से चुन करके आते हैं उसी जिला से। और जो युवा प्रदेश, जो युवा का हमारा जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्त दी है, तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है लेकिन इस आसन पे बैठे, कोई भी हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय, यहाँ आते भी नहीं थे महोदय, बैठ जाइए। आसन पर आप ही चले थे ना? आप टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना, एक मिनट भाई बात कर रहे ना, अरे आप सुनिए, अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती, आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई तो चलो थोड़े देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे, अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए, आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई, कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको, अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई, इनका हृदय परिवर्तन। हमको लगता है जो ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं, अध्यक्ष जब देता प्रतिपक्षी तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा और विशाल होना चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा, लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक है न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता है, लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए, सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा, लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में
घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बात बैठे हैं, एक बार उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं सबसे ज्यादा विद्वान। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।